हेलो गाइस, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में सेंसिटिविटी सेटिंग और जो भी सेटिंग हमारे इसमें होती है, जितनी भी सेटिंग होती है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपने बहुत सारे ऐसी वीडियो देखी होगी यूट्यूब के ऊपर सेंसिटिविटी सेटिंग या फिर कंट्रोल्स वगैरह जो भी गाइस, बट गाइज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप किसी की भी सेंसिटिविटी सेटिंग या फिर कंट्रोल वगैरह इनको डिट टू कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि कॉपी करने से होता ही है, क्योंकि हर इंसान का जो माइंड होता है वो अलग होता है और उसी तरीके से वो काम करते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइज जो प्रो प्लेयर होते हैं वो अपनी जो सेंसिटिविटी होती है, कंट्रोल्स होते हैं, वो सब कुछ अपने आप ही बिल्ड करते हैं, ना कि वे किसी की वीडियो देख के या किसी और चीज़ को देख के कॉपी करते हैं। तो गाइज उनका कॉपी ना करना ही उनको प्रो प्लेयर बनाता है। इस वजह से मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर एक बेहतर प्लेयर बनना है पबजी के अंदर, तो आपको अपनी सेंसिटिविटी, कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ आपको अपने हिसाब से ही सेट करने होंगे। बस गाइज मैं आपकी इस वीडियो में इतनी मदद कर सकता हूँ कि आपको मैं बता सकता हूँ किस चीज़ का क्या काम है और इसको ज़्यादा लेने पे और कम लेने पे क्या आपको फ़ायदा हो सकता है और क्या आपको नुकसान हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अब सेटिंग को। तो सेटिंग ओपन जैसे कर लिया है, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आता है सेटिंग में बेसिक। तो बेसिक में गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ ऐसे सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो मैंने आपको इसमें दिखानी है। तो मैं आपको बताऊँ, एम असिस्ट जो है मैंने अनेबल रखा है और ब्लॉक्ड साइट वार्निंग भी अनेबल है। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सेटिंग है जो बेसिक के अंदर आप इस तरीके से देख सकते हो। तो गाइज एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पीक एंड फायर हमेशा आपका अनेबल होना चाहिए और पीक एंड ओपन स्पोक ये भी अनेबल होना चाहिए। इसका गाइज अनेबल करने का बेनिफिट ये है, जब भी आप पीक लेते हो तो आपका ऑटोमेटिक स्कोप जो होता है वो ऑन हो जाता है। अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो आप जब पीक लोगे तो पहले वो पीक लेगा, फिर आप उसका स्कोप खोलोगे, फिर एनिमल को देखोगे, तो गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तब तक एनिमी आपको किल कर देगा। तो उसके किल से बचने के लिए आपको अपना जो पीक एंड ओपन स्कोप है इसको अनेबल रखना है, ताकि जब भी आप पीक लो तो आपका जो स्कोप है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। तो गाइस और जो यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग है, अब मैं इसमें बेसिक में आपको मेन सेटिंग के बारे में ही बताऊंगा, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सेटिंग है। तो गाइस एक सेटिंग हो गया है जागे स्कोप। तो गाइस ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसको चलाना आप गाइस मैं बताऊँ आपको तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ऊपर नीचे अपने फ़ोन को करना होगा, रोलिंग करनी होगी, लेफ्ट राइट अपने फ़ोन को मूव करना होगा। जैसे आप रेसिंग गाड़ियों के गेम खेलते हैं तो आप उसमें देखते हो, तो जैसे हम अपनी गाड़ी को लेफ्ट में मोड़ते हैं तो हमें फ़ोन को भी ऐसे लेफ्ट की तरफ मूव करना होता है, या फिर राइट में अगर हमें गाड़ी को टर्न करना है तो फ़ोन को भी राइट की तरफ ऐसे झुकाना पड़ता है। तो जागे स्कोप का गाइज इसी टाइप से काम होता है। तो भाई गाइज मेरा मानना तो यह है, जागे स्कोप आप यूज मत ही कीजिए। अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो है प्रैक्टिस आपको काफ़ी हार्ड तरीके से करनी होगी तभी आप इसका यूज कर पाओगे। वैसे काफ़ी तो नहीं गाइज, बहुत ज़्यादा प्लेयर जो है जागे स्कोप को यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो खेलने का सिस्टम होता है गाइज वो बहुत ही यूनिक और अलग होता है, इस वजह से वो इसको यूज कर लेते हैं। तो गाइज़ मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, आप विदाउट जागे स्कोप के ही अपना गेम खेलें। तो गाइज और यहाँ पे जो ये बेसिक चीज़ें हैं जैसे ओपन डोर वगैरह वगैरह, ये आप देख सकते हो गाइज मैंने क्या अनेबल किया हुआ है और क्या डिसेबल किया हुआ है। तो गाइज अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट पर्सन व्यू है वो मेरा 90% पे है, 90 है। तो अगर मैं इसको ज़्यादा ले लूँ तो गाइज ये काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लगेगा, तो 90 मैंने एकदम बेस्ट किया हुआ है। अगर आप चाहे तो 90 करके देख सकते हो, अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी करके देख सकते हो। एक बार करने के बाद आपको ट्रेनिंग मोड में एक बार चेक कर लेना है कि कितना आपको जो व्यू है वो कैमरे का अच्छा लगता है। तो गाइज और जो यहाँ पे सेटिंग है, और गाइज मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे और कोई मेन सेटिंग नहीं है। तो गाइज अब चलते हैं अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर।
तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओवरऑल जो सेंसिविटी सेटिंग है वो कस्टमाइज पे मैंने रखी हुई है। कस्टमाइज का मतलब ये होता है गाइज, जो हम खुद से बिल्ड करते हैं वो हमारी कस्टमाइज होती है। अदरवाइज़ अगर आपको डिफ़ॉल्ट रखने हैं तो आप लो मीडियम हाई इसमें जा सकते हो, बट गाइज़ आपको कस्टमाइज ही करनी होगी, क्योंकि आप अपना जब भी गेम खेलते हो तो उसके अंदर आपको कस्टमाइज सेटिंग ही आपका एक ऐसा हथियार होता है जो आपको एक प्रो प्लेयर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो गाइज अब यहाँ पे आप कैमरे की सेंसिविटी सेटिंग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे थर्ड पर्सन कैमरे की 120 कैमरा जो है वो भी 120 है, और फर्स्ट पर्सन कैमरा जो है वो 84% पे है। तो गाइज यहाँ पे कैमरे का जो रोल होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और ख़ासकर स्कोप में, क्योंकि स्कोप के वजह से ही हमारा जो रिकॉइल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो रेड डॉट का जो है 60% है, 2x का जो है 36% है। तो गाइज़ इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो जो कैमरा का सेंसिविटी सेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है मेरी। तो इसी, अगर आप चाहते हो अपने आप को एक बिकम प्रो प्लेयर बनाना, तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, मैं एक अभी कुछ टाइम पहले एक नूब ही था। तो नूब मतलब जो स्टार्टिंग में गेम स्टार्ट करते हैं जिनको खेलना नहीं आता, वो वाला नूब। तो गाइज़ कोई 3 महीने पहले मेरे ऐसे हालात थे, तो मैंने कुछ वीडियो भी देखी थी सेंसिविटी के ऊपर, तो मैंने उनको कॉपी भी किया था, बट उनकी कॉपी करने की वजह से गाइज मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। नुकसान ये था कि उनकी सेंसिविटी के हिसाब से मेरा जो फ़ोन था वो नहीं चलता था। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पे इसको सेंसिविटी को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे फिर आता है एड्स सेंसिविटी। तो ये हमारे स्कोप के ही होता है गाइज, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जो होता है सेंसिविटी गाइड। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, थर्ड पर्सन नो स्कोप और फर्स्ट पर्सन नो स्कोप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलरिटी है काफ़ी ज़्यादा, और 120/104 पे यहाँ पे मैंने अपनी जो है कैमरे की सेंसिविटी रखी हुई है। तो गाइज अब ये आप देख सकते हो, ये जो है आपको 2x और रेड डॉट जो है 60% पे रखना है, और 3x और 4x आप यहाँ पे देख सकते हो 27-17%। एक बार गाइज आप इस सेंसिविटी सेटिंग को अपने फ़ोन में कीजिएगा, और करने के बाद गाइज आप अपना गेम खेलेगा, आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आपका जो रिकॉइल है गाइज वो काफ़ी बिल्कुल 0% के आसपास ही होगा। मैं ये तो नहीं कहता गाइज आपका जो रिकॉइल है वो एकदम बिल्कुल 0% हो जाएगा, 0% रिकॉइल बस हैकर का होता है। हैकर के अलावा 0% रिकॉइल वैसे तो आप कुछ भी सेंसिविटी सेटिंग कर लीजिएगा, उसमें आपको नहीं मिलेगा। बट गाइज ये होता है कि इस सेंसिविटी के हिसाब से हम अपना जो गेम है उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट आता है हमारा पिकअप। पिकअप में गाइज आपको यहाँ पे ऐसे ऐसी चीज़ें पिकअप में डालनी है जिससे कि आप अपने ऑटोमेटिक में सिस्टम में, आप जब भी कहीं कोई भी घर में लूट करने के लिए जाओगे तो आपका जो प्लेयर होगा वो ऑटोमेटिक इन चीज़ों को पिक कर लेगा। तो पिक करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि गाइज जितनी भी गन है उनको 200 MO पे ही रखना है, क्योंकि 200 MO इतनी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर दो स्क्वाड भी सामने आ जाए तो आपका जो 200 MO है ये वे ख़त्म नहीं होगी। 200 MO जो है होती है गाइज वो एकदम बेस्ट होती है। और आप यहाँ पे जो पिकअप में जैसे बैंडेज हुई, मेडिकेट हुई, फर्स्ट एड हुई, एनर्जी ड्रिंक, पेन किलर, इन चीज़ों को भी गाइज इसी तरीके से सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सेट करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइज, अगर आप इनको ऑटोमेटिक में इतने ही रखते हो तो आपका जो बैग होगा वो जल्दी से फुल नहीं होगा, या फिर आपको कोई और सामान लेने के लिए अपने और आइटम को ड्रॉप नहीं करना होगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रेनेड होते हैं, अगर आप इनको ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप 4 पे रख सकते हो, अगर आप ग्रेनेड ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो तो 1 या 2 भी चलेगा गाइज। तो गाइज स्मोक होता है, स्मोक हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो इसलिए स्मोक को आप 3 या 4 पे रख सकते हो। मॉकटेल अगर आप यूज़ करते हो तो गाइज ज़्यादा कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं तो मॉकटेल यूज़ नहीं करता हूँ, इस वजह से मैंने 1 पे रखा हुआ है। अब गाइज आते हैं स्कोप में। तो स्कोप में जितने भी स्कोप है गाइज उनको 1-1-1-1-1 पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक ही स्कोप चाहिए होगा। जैसे 2x अगर आपको मिल जाते हैं कहीं पड़े हुए 2-3 तो आपको चाहिए तो एक ही है, 3x अगर आपको 2-3 मिल जाते हैं तब भी आपको एक ही चाहिए,
तो गाइस इनको भी एक एक पे सेट कर लेना है। पिकअप में ये होता है गाइस। और ये हमारा स्कोप का व्यू, स्कोप जब आप लगाते हो तो आपको कैसा दिखता है, तो नो स्कोप पे ऐसा दिखेगा, रेड डॉट पे गाइस ऐसा दिखेगा होगा। आप इसका कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हो, रेड, येलो, ग्रीन, कुछ भी गाइस। होलोग्राफी पे भी आपको सेट कर लेना है, और 2x, 3x, यहाँ तक जब आप सेट कर लोगे तो आपका जो सिस्टम, आई मीन 4x है, 6x हुआ या फिर 8x हुआ, उनका भी सिस्टम यही बनेगा। स्कोप स्विच, इसको डिसेबल मत कीजिएगा गाइस, इसको अनेबल करना है, क्योंकि अगर आप एकदम क्विक करते हो, टच करते हो अपने स्कोप पे, तो वो तुरंत ही ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो तो इसमें टाइम लगेगा। ऑडियो लैंग्वेज लिंक अदर डाउनलोड, ये सब फालतू की चीज़ें आ गई। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ एक गेम खेल के, आई मीन ट्रेनिंग में, कि इस टाइप से हमारी जो सेंसिटिविटी सेटिंग है उसका रिकॉइल कितना कंट्रोल होता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम ट्रेनिंग मोड में आ चुके हैं। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मोस्टली जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो दो ही गन ज़्यादा यूज़ करते हैं, या तो M416 या फिर AKM। तो गाइस मैंने ये दो गन ले लिया, और इनमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना आपको यूज करना होगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ एक्सटेंडेड के बारे में, तो जो यहाँ पे सबसे ऊपर एक्सटेंडेड स्टैम लिखा हुआ, आई मीन रखा हुआ है, क्विक ड्रो मैग, तो गाइस ये वाला जो एक्सटेंडेड है यही आपको यूज करना है। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, सो गाइस जब भी आप अपने गन को रिलोड करते हो तो एकदम बड़ी फास्ट क्विक आपकी जो रिलोडिंग होगी वो बिल्कुल ही फास्ट होगी। तो सबसे पहले मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ, और अब आपको मैं इसकी सेंसिटिविटी सेटिंग दिखाता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो रेड डॉट की जो सेंसिटिविटी सेटिंग है वो काफ़ी दूर तक भी मेरी 0% के आसपास ही है। और अब मैं आपको इसको 6x में दिखाता हूँ। तो 6x जब भी आप M416 पे लगाते हो तो इसको 3x में आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर आप 6x में ही इसको यूज़ करोगे तो आपकी सेंसिटिविटी, आई मीन जो रिकॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अब आपको मैं यहाँ पे इसकी जो रिकॉइल है वो दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस ये तो रिलोडिंग चली, तो गाइस आप देख सकते हो जो रिकॉइल है वो 0% तो नहीं, बट बहुत ही काफ़ी अच्छा रिकॉइल था। तो गाइज़ अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और ले लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, जब भी आप M416 यूज़ करो या फिर AKM यूज़ करो तो आपको कंपेसेटर इसमें लगा लेना है। अगर आप इसमें कंपेसेटर लगा लेते हो तो इसका एक ही काम होता है, आपका जो रिकॉइल होता है वो आपका काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो गाइज़ आप कंपेसेटर का यूज़ देख सकते हो, 6x लगाने के बाद रिकॉइल जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, और इसको मैं रेड डॉट में भी आपको शो कर देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिकॉइल है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी कंट्रोल में था। यही काम गाइज आपको अगर AKM में भी करना है तो आप इसको AKM में भी कर सकते हो। तो AKM में गाइज 6x तो यूज करने के मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि 6x का जो रिकॉइल होता है AKM के अंदर वो काफ़ी हाई होता है, तो इस वजह से आप 6x यूज मत कीजिएगा, खासकर AKM के अंदर। अगर आपको ये M416 यूज करना है तो आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि इसका जो रिकॉइल होता है वो काफ़ी कंट्रोल में होता है। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइज़ अगर आपकी में कुछ भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी आपका इशू है तो वो मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं आपकी उसमें हर तरीके से मदद करने की कोशिश करूँगा। गाइज़ प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको इसके अंदर क्या देखना हो, क्या वो चीज़ें सीखनी चाहिए, तो गाइज़ मैं उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आप मुझे बताइए कमेंट में मुझे किस टाइप से और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। सो गाइज़ मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर, बाय।